नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, कैलाश विजय वर्गीय, ये वो नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने एमपी के विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। ये बीजेपी का मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा प्रयोग है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे दबाव की राजनीति बता रहे हैं। जिन तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार सांसदों को बीजेपी ने एमपी के चुनावी समर में उतारा है, उसके पीछे कई कारण हैं, कई वजहें हैं। ऐसा माना जाता है ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं और बीजेपी दिग्गजों के सहारे इस बार हारी सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, गुना और मुरैना में प्रभावी हैं, गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह अपने क्षेत्र जबलपुर और उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता है जो अपनी विधानसभा के अलावा आसपास के कई विधानसभा सीटों को प्रभावित कर पार्टी की झोली में सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये प्रयोग किया गया है। इससे पहले भी बीजेपी ने बंगाल और त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का प्रयोग किया था। इस प्रयोग के बाद से बीजेपी ने राजनीतिक बाजी जीतने के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की रेस को दिलचस्प बना दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 7 सांसदों को, जिनमें कि 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं और पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव को, एक मैदान में उतारा है। इस दूसरी लिस्ट के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें अब बीजेपी के बड़े सेनापति हैं। हालांकि दूसरी लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां झटका भी लगा है, वहीं कुछ राहत भी मिली। सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट काट दिया गया है। दिमनी विधानसभा सीट से गिरिराज दंडौतिया को टिकट दिया गया है। गिरिराज भी सिंधिया गुट के माने जाते हैं। साथ ही मुरैना जिले से सिंधिया के समर्थक रघुनाथ कंसाना को पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि डबरा से इमरती देवी पर विश्वास जताया गया है। यही नहीं, सिंधिया के करीबियों को ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। उनका नाम मोहन सिंह राठौर है। इस बीच ये सवाल उठने लगा है, क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एमपी में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिंधिया पर भी बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि वीरेंद्र सिंह खटीक को लेकर भी कोई भी कयासबाजी नहीं लगाई जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस लिस्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है और अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। जबकि रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में तंज कसते हुए ये लिखा कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। सूत्रों की माने तो चुनावी रण में बीजेपी दिग्गजों के उतर जाने से सीएम शिवराज की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है और नतीजे के बाद सीएम पद का फैसला होगा। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 20 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आखिरी बार 2003 में ग्वालियर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद 2009 से सांसद बनकर केंद्रीय राजनीति में आ गए और अब फिर से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 3.5 दशक से राजनीति में है, लेकिन जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें नरसिंहपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है, जहां से उनके भाई जालम पटेल विधायक थे। इस तरह से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कुलस्ते 1990 में आखिरी बार विधायक बने थे और अब 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी चेहरा माने जाते हैं,
जबकि प्रहलाद पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वो साल 2013 में आखिरी बार विधायक चुने गए थे और 2018 में उन्होंने अपनी जगह पर बेटे को प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी ने जबलपुर से 4 बार के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिग्गज नेता माने जाते हैं और पहली बार विधायकी में किस्मत आजमाएंगे। इसी फेरिस्त में सांसद गणेश सिंह और रीति पाठक भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है। देखा जाए तो बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि चुनाव बाद सीएम बनने का विकल्प खुला है। ऐसे में अगर इन सांसदों के क्षेत्र, संभाग और जिले में बीजेपी जीतती है तो इनकी लॉटरी लग सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान के साथ किस तरह से रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। आपको बता दें कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता ग्वालियर चंबल इलाके में ही सता रही है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा एक और अलग वर्ग नाराज है, जिससे पार्टी को यहाँ भारी नुकसान होने का अंदेशा है। अब अगर बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहती है तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरे नजर आएंगे। इस तरह से किसकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे ये कहना मुश्किल है। अब पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतार कर सीएम की रेस को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के दिग्गजों में से किसके सिर सीएम का ताज सजता है। आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।